दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ एप्लीकेशन की लिस्ट है जिनका साइज 1 GB के ऊपर है। ये जो एप्लीकेशन की लिस्ट देख रहा हो, ये एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी डिलीट करके रखा हूँ, अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन फिर भी ये एप्लीकेशन यहाँ पर शो कर रहा है, वो भी स्पेस के साथ। दोस्तों अगर आपने आज तक जितना सारा एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल कर दिया, वो भी किसी एक जगह पे आके जमा हो गया और यही पे बैकग्राउंड पे रन करता है जो रैम और प्रोसेसर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो आप चाहो तो इसे एक एक करके परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। कैसे किया जाए इस ऑप्शन पे आने के लिए, मैं इसे क्लोज करके फिर से मोबाइल स्क्रीन पे आ गया। मोबाइल स्क्रीन पे आके गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लिया। प्ले स्टोर ओपन करके ऊपर कोने में लोगो दिख जाएगा, लोगो के ऊपर क्लिक करके नीचे देखिए मैनेज ऐप एंड डिवाइस, इनके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करके फिर से मैनेज के ऊपर क्लिक कर दिया। मैनेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देखिए दिस डिवाइस, इनके ऊपर क्लिक करके नीचे नॉट इंस्टॉलेड, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करके नीचे नॉट इंस्टॉलेड के ऊपर क्लिक करते ही आप जितना सारा एप्लीकेशन आज तक डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, सबका लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और कौन सा एप्लीकेशन का साइज कितना है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और गेम कितना अनइंस्टॉल कर दिया उनका भी अलग सा लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो आज तक आपने अनइंस्टॉल कर दिया उनका लिस्ट आप देख सकते हो। और यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके यहीं से आप परमानेंट डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे आपके रैम और प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा ऊपर क्रॉस की आइकॉन देखने को मिलेगा, उनके ऊपर क्लिक करते ही रिमूव के ऊपर क्लिक करते ही देखिए टोटल 24 एप्लीकेशन रिमूव हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो एंड्रॉइड वर्जन यूज कर रहा हूँ वो एंड्रॉइड 13 वर्जन है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो शायद आपकी वर्जन पे ये अवेलेबल नहीं है, आपको 13 के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा।